पैन इंडियन सिनेमा ने हिंदी ऑडियंस के सामने कंटेंट का मेला ऐसे लगा रखा है कि मानो एक त्योहार चल रहा हो जिसका कोई अंत नहीं, जिसे कायम बनाए रखने के लिए 13 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म कार्तिकेय 2 जो एक तेलुगु बेल्ट की फिल्म है और पहले दिन फिल्म की कमाई कुल 7 लाख रुपए हुई, जिससे लगा कि अब शायद ये त्योहार थमने वाला है, क्योंकि 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करने रिलीज हो चुकी थी, पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज में होने की वजह से दोनों फिल्म को नकार दिया गया, जिसका फायदा कार्तिकेय 2 को भरपूर मिलने लगा और ये फिल्म आज अपने 50 करोड़ के लक्ष्य की ओर क्लीन स्वीप से बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि ऑडियंस ने इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसे अपने दिल और मन से पूरी तरह जोड़ लिया है, जिसका विस्तार हम यहाँ करने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण और उनके अस्तित्व से, जिसे डायरेक्टर चंडू मोदेती ने बखूबी स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है और साथ ही साथ काला भैरव के बैकग्राउंड म्यूजिक ने, जिसने अपनी ताकत से हर एक सीन को इतना मजबूत बना दिया है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही लगेगी। फिल्म की खूबसूरती झलकती है उसमें दिखाए गए एनिमेशन और VFX के जरिए, जिसका क्रेडिट जाता है साही सरेश, निखिल कोडारू और अनिल प्रजापति को, जिनकी वजह से ऑडियंस कृष्ण के सार से पूरी तरह से जुड़ जाती है, जो एक काबिले तारीफ बात है, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में ऐसा एक्सपीरियंस देना हर किसी के बस की बात नहीं। एक फैक्टर जो इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है वो है डायरेक्टर चंदू मोदेती और उनकी टीम द्वारा किया हुआ रिसर्च वर्क, जो आजकल के लोग अपने एसी रूम से करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ डायरेक्टर सीन में जान फूंकने के लिए उसके लिए पाताल लोक तक जाने में विश्वास रखते हैं। फिल्म के लीड रोल में हैं निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, श्रीनिवास रेड्डी और एक मुख्य भूमिका में अनुपम खेर। निखिल सिद्धार्थ कार्तिकेय के अभिनय में पूरी तरह से फिट बैठे हैं और बाकी कलाकारों ने भी अपना रोल बखूबी निभाया है। फिल्म के मिड में एक सीन है जहां अनुपम खेर श्री कृष्ण के अस्तित्व को साबित करते हुए कुछ बातें बताते हैं, जो लगभग 3 से 4 मिनट का है, पर उस सीन में ऐसी जान डाली गई है विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग के मामले में कि आप पूरी तरह से निशब्द होकर उसमें समा जाएंगे। ओवरऑल कार्तिकेय 2 एक ऐसा बेहतरीन एक्सपीरियंस है जिसे आप थिएटर्स में ही महसूस कर सकते हैं, जब धुन, चित्र और कहानी का सार एक साथ आपको हिट करेगा। मीडिया दरबार परिवार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने भी इस फिल्म को देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें और बाकी अन्य फिल्मों से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।